अभी हम एक्चुअली मॉर्निंग में हम लोग पुणे से निकले थे, बीच में काम चला हुआ था, वहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही थी, वहाँ पे हम 2-2.5 घंटे लेट हो गए। अभी हम पदम क्रॉस कर रहे हैं, पदम हमने क्रॉस कर लिया। हमारा प्रोग्राम था लेह निकलने का, पुणे से हमने सीधा लेह की तरफ को निकलना था। अब अभी बज गया है अप्रॉक्सीमेट 6 शाम के, तो हम लोग फिर आगे ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक देखते हैं, अब जहाँ तक हम जा पाएंगे वहाँ तक जाके वहीं पे कहीं पे कैंपिंग कर लेंगे। पदम से थोड़ा सा सामान था लेने के लिए, वो सामान लिया। अब हम आगे निकल रहे हैं, आगे तेल डलवा के फिर हम लेह की तरफ को निकलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो निम्मो वाला रोड है, जो नया रोड खुला है, उससे जाएं। बट जो लोकल हैं और जो लोकल लोग हैं वो जो बोल रहे हैं कि वो रोड बंद है। अभी चल के देखते हैं जहाँ तक हम पहुँचेंगे वहीं पे स्टे करके फिर आगे निकलेंगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा मूड कल लेह में रुकने का भी नहीं है। हम लेह से भी उधर को निकल जाएंगे शायद, अपना या तो पेंगोंग की साइड को या फिर हल्ले साइड को डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो मॉर्निंग में हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे, 4 या 5 बजे निकलने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ से 4-5 बजे हम लोग आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं ले के लिए बाय निम्मो होके। बिकॉज दिन को काम चल पड़ता है बीआरओ का, तो ब्लास्टिंग होती है, काम चला होता है, तो रोड में हर जगह पे काम लगा रहता है, तो प्रॉब्लम आती है। फिर बीआरओ को भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और आने जाने को वाले को भी प्रॉब्लम है। इसलिए हम मॉर्निंग में जल्दी निकल रहे हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आ पाए। निकल जाए रास्ता बाहर ने बोला ना, कल मैंने फोन किया था। हाँ। टैशी को टैशी स्विच ऑफ बता रहे। फिर 9 बजे 9 बजे निकल सकते हैं? नहीं नहीं, 9 बजे मैंने फोन किया था। हाँ। तो अच्छा स्विच ऑफ आ रहा है, तो अब क्या करें? मैंने पूछा था और रास्ता तो नीचे से क्या बोला, बिल्कुल ही बांध है, ना आना ना जाना, बिल्कुल बांध ब्लॉक है बोल रहा है। कि बुल्डर फेंक गया रोड पे, क्या किया? हाँ, मशीन भी रखा हुआ है कि रोड।
श्री अभी हम वापस जा रहे हैं घर, श्रृंखला टॉप पे पहुंचे हैं। घर में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा। हम सुबह से निराक में, निराक में से हम मॉर्निंग में, तो हम सुबह 5 बजे करीब चेकपोस्ट पे थे, क्योंकि कल हमको बोला था कि सुबह 5-5.5 बजे अगर रोड क्लियर होगा तो आपने निकल जाना है। बट हुआ क्या कि जो रात को ब्लास्टिंग करी निराक, अपना जो दारचा पदम निम्मो और जो लेगो रोड मुड़ता है, जाता है, जुड़ता है, वो दारचा पदम निम्मो और ले को जो रोड मुड़ता है जाता है, उसमें आगे काम चला हुआ। तो 3-4 दिन से वो रोड उन्होंने बिल्कुल क्लोज करके रखा है, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ से काम चला हुआ। तो हमको बोला हुआ था कि आप लोग कल मॉर्निंग में निकल जाना। हम एक दिन निराक में रुके थे कि नेक्स्ट डे हमको कल, यानी कि आज मॉर्निंग में हमको वहाँ से बाया निम्मो होके ले को निकलना था। बट कल रात को फ़ोन आया तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है घर में, तो मॉर्निंग में मैंने सोचा कि हम वहाँ से निकलेंगे और सीधा घर के लिए निकल जाएंगे ले से। बट जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि रात को ब्लास्टिंग करी हुई है जिसकी वजह से पहाड़ ऊपर से बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो रोड अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आप 8 बजे तक, पहले उन्होंने बोला कि आप 8 बजे तक वेट करो। फिर एक बंदा कोई और आया, उन्होंने बोला कि कोई 12 बज जाएंगे, तो मैं उतनी देर नहीं रुक सकता था वहाँ पे, तो मेरे को वापस जाना था। तो हम यही 5-5.5 बजे हम लोग वहाँ से वापस होके अभी घर जा रहे हैं और श्रृंखला क्रॉस कर गए हैं। अभी टाइम हुआ है 12 बज गए, 11 अभी टाइम हुआ है, 11 बजे हैं अभी। तो निराक से चल के हम 11 बजे श्रृंखला टॉप पे पहुंचने वाले हैं, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट भी किया, बीच में एक ट्रक फंसा था उसने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, काम चला हुआ है, तो हम श्रृंखला टॉप पे पहुंच गए हैं। ये जो दारचा निम्मोले वाला रोड है ये रह गया फिर से, इसको नहीं कर पाए हम लोग, घर वापिस जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे कि दोबारा इस रोड पे जाएं। और जहाँ तक मैं रोड की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, मतलब आप ये सोच लो कि ये थोड़े बहुत कच्चा है रोड बीच में, और बाकी हाईवे बन गया है सारा का सारा। अगर हम पदम से आगे जाएं तो बहुत आगे तक टारमैक रोड है, और वहाँ से थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा कच्चा है, मतलब जो पुराना रोड था उससे बहुत अच्छा रोड है, और आगे भी सारा बहुत अच्छा रोड बना दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम किसी दिन ट्राई करेंगे दोबारा से उस रोड पे, और वो रोड अभी क्लोज है। शायद 10 से 15 या उनका था कि 15 से 20 दिन में हम वो रोड ओपन कर देंगे दोबारा से पूरा खोल के, जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी रोड में रही हुई उनको क्लियर करके हम, और नेक्स्ट मंथ से तो बिल्कुल ओपन हो जाएगा वो 2 लेन बन के सब लोगों के लिए। टारमैक करना रह जाएगा उसमें, तो वो काम चला रहेगा, बाकी रोड ओपन हो जाएगा सबके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।